मोदी अडानी भाई भाई देश देश के खाई मलाई, मोदी अडानी भाई भाई देश देश के खाई मलाई, देश बेचना बंद करो बंद करो बंद करो, LIC लूटना बंद करो बंद करो बंद करो, SBI लूटना बंद करो बंद करो बंद करो, बैंक लूटना बंद करो बंद करो बंद करो, और मोदी अडानी भाई भाई। राज्यसभा के सदन के नेता एक सवाल उठाए और वो जो सवाल उन्होंने उठाया था हमारे सदन को कोई संबंध नहीं था, क्योंकि डेमोक्रेसी के बारे में जो राहुल जी ने वहाँ के कॉलेजों में और सेमिनार में कहा था उस बात को उन्होंने राज्यसभा में उठाया। एक तो रूल्स के तहत ये गलत है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो हमारे चेयरमैन साहब हमेशा रूल्स की बात करते हैं तो किस रूल में और एक व्यक्ति और दूसरे सदन का सदस्य है और उसके बारे में यहाँ पर एलिगेशन लगाना और उनके भाषण को अपने ढंग से पेश करना, ये काम सदन का नेता गोयल जी ने किया और ऐसी अभद्र भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया कि शर्म आना चाहिए, वो आना चाहिए। अरे जो चीज़ें राज्यसभा में आप बोल नहीं सकते, अगर आपको बोलना है तो नोटिस देकर लोकसभा में बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, क्योंकि इस देश के डेमोक्रेसी को अपमान करने का उनका सारा प्रयत्न है और खुद डेमोक्रेसी को यहाँ कुचल रहे हैं। डेमोक्रेसी को और संविधान को कोई जगह मोदी जी के राज्य में नहीं है और बीजेपी के राज्य में नहीं है, क्योंकि हर एक ऑटोनोमस बॉडी का वो मिसयूज कर रहे हैं, हर एक एजेंसी का वो मिसयूज कर रहे हैं और कोई नोटिस नहीं, रूल ऑफ लॉ नहीं है, लेकिन वो मन माने जैसा एक डिक्टेटर देश को चलाता है वैसा ही वो काम यहाँ पर कर रहे हैं। और ये लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये लोग देशभक्ति की बात करते हैं और ये लोग देश के मान सम्मान की बात करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ मोदी साहब, मैं आपको चार उदाहरण देता हूँ, ऐसे तो बहुत है। आपने जो चाइना गया शंघाई में क्या कहा, मैं यही शब्द आपके सामने रखूँगा ताकि मोड़ तोड़ के बोल रहे ऐसा नहीं होना, कि अर्लियर यू फेल्ट असेम्ड ऑफ बीइंग बॉर्न इन इंडिया, नाउ यू फील प्राउड टू रिप्रेजेंट द कंट्री, Indians abroad had all hoped for a change in the government last year. ये किसने कहा? मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा। और प्रधानमंत्री ये कहते हैं देश की मर्यादा चले गई, अगर डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर बात करते हैं किसी कॉलेज में किसी सेमिनार में तो आप उनको टोकते हैं और हम देशद्रोही बनते हैं। ये देशभक्त वहाँ जाकर ये बात उन्होंने कही। फिर उसके बाद साउथ कोरिया में उन्होंने क्या कहा, साउथ कोरिया में भी यही कहा, अर्लियर पीपल वुड लैमेंट, दे वुड आस्क व्हाट सिन दे हैव कमिटेड टू हैव बीन बॉर्न इन इंडिया, ए बिजनेसमैन वांटेड टू लीव द कंट्री फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड, बट दीज पीपल आर नाउ
saying that they will come back even if their incomes are lower than in other. यानि 70 साल में जो कुछ इस देश में हुआ या जो इंडस्ट्रियलिस्ट बढ़े, जो इन्वेस्टमेंट हुआ, उसकी उन्होंने ऐसा कंडम किया कि उस वक्त के बिजनेसमैन बेकार थे, उस वक्त के लोग बेकार थे, उस वक्त के लोगों को कोई इज्जत नहीं थी, सिर्फ इन्हों आने के बाद ही इज्जत बढ़ा दी, ये उन्होंने इसमें कहा। फिर उन्होंने और एक बात कही कनाडा में, उन्होंने वहाँ क्या कहा, देखिए उन्होंने ये कहा कि जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, पर हम सफाई करेंगे। और दूसरी बात भी कहे, मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोल, अरे गंदगी तो आप कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, संविधान के धज्जे उड़ा दे रहे हैं, और सब एजेंसी को हाथ में लेके हर अपोजिशन पार्टी को दबाने का, कुचलने का, सप्रेस करने की बात आप कर रहे हैं, और ये ऐसा है चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, हाँ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये ऐसे हैं, खुद तो डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं और डेमोक्रेसी को बचाने के लोग हैं वो, तो ये कहावत भी है और सबको मालूम भी है। और एक बात, जो यूएई में गए, वह यूएई में मोदी जी क्या बोले, देखो पहले की गवर्नमेंट लेथार्जी थी और वो काम नहीं कर सके, तो हम और प्रायोरिटी बेसिस पे, यानी और भी बहुत से हैं जो अभी परसों कल कर्नाटक में कुछ दूसरे जगह भी, जो इंसान जो व्यक्ति इस देश का प्रथम नागरिक है या प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो जाके बाहर ये सब बातें बोल सकते हैं, अगर राहुल जी जाकर वहाँ पर सेमिनार में डिबेट में अगर बात कहे तो अपराध हो जाता है, तो ये उनको समझ में आना चाहिए। लोग खुद डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं, वो लोग ये सब बातें कर रहे हैं, इसीलिए आप सभी पार्टी के लोग, हमने यही कहा, देखो भाई आपको ये मसला उठाना भी है, आप उस सदन में उठा सकते हैं जिस सदन के वो सदस्य हैं, इस सदन के वो सदस्य नहीं हैं, तो इसीलिए हम आपके सामने ये बात कहने के लिए सभी पार्टी के नेता, 16-17 पार्टी के नेता लोग आए हैं, और हम क्या डिमांड कर रहे हैं, हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ, जेपीसी बिठाओ अदानी के इशू पे, उसको डाइवर्ट करने के लिए, वो इशू को अलग करने के लिए, ये बीच में उठते ही उनको 10 मिनट का टाइम मिला और मुझे सिर्फ 2 मिनट भी बोला नहीं दिया, बोलने नहीं दिए, यानी ये क्या है, मैं किसी की कमजोरी नहीं बोल रहा हूँ, ये क्यों ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और जब अदानी की बात हम उठाते हैं, जेपीसी की उठाते हैं, तो फौरन एक तो माइक भी बंद होता है, दूसरे तरफ हंगामा भी शुरू होता है, ये जो है इसके लिए आज भी हम जेपीसी डिमांड कर रहे हैं, सब मिलके इसके लिए एक हैं और हम लड़ेंगे इसके लिए। उनको क्या करना है कैसा, वो तो छुपा लेने की बात कर रहे हैं, डिफेंड करने की बात कर रहे हैं, कर लेने दो, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं उनका पीछा, हम जैसा कुछ है ना बेताल कैसा, हाँ विक्रम बेताल, हाँ विक्रम बेताल के जैसा हम पीछा लगेंगे।